गुड मॉर्निंग एवरी वन, आई एम डॉक्टर रजनी शर्मा, काउंसलर उम्मीद काउंसलिंग सेंटर से। आज हम विषय जो आपके सामने लेकर आए हैं, उस विषय से हम सब रूबरू हुए हैं, किशोरावस्था, एडोलेसेंट एज। एडोलेसेंट एज में जो इश्यूज होते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो सिचुएशंस आती हैं बच्चे जिन्हें फेस करते हैं, उन सबको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। एडोलेसेंट एज को WHO ने 10 साल से लेकर के 19 साल तक कायम किया है। मतलब कि जो बच्चे 10 साल से लेकर के 19 साल तक की एज ग्रुप में आते हैं, उन्हें हम किशोरावस्था में कहेंगे। वो बच्चे एडोलेसेंट एज में होते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एडोलेसेंट एज के लिए है या इश्यूज़ को समझने के लिए है, वो ये है कि इस समय में हम सब जानते हैं, जैसा कि बीइंग अ पेरेंट्स या फिर बीइंग अ टीचर, हम सब ये जानते हैं कि इस एज में बच्चों में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से उनके व्यवहार में, उनकी भावनाओं में, उनके थिंकिंग प्रोसेस में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। या हम यूँ कहें कि बच्चा एकदम से इस तरह का व्यवहार करना शुरू कर देता है कि हम भी नहीं समझ पाते हैं, जबकि हम उस स्टेज से गुजरे हैं, हमें उस स्टेज के बारे में पता है, जानकारी है, लेकिन आज हम उन बच्चों की मनोस्थिति को नहीं समझ पाते हैं जो एडोलेसेंट एज में होते हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि बच्चा समझे कि कैसे व्यवहार करना है, किस परिस्थिति में किस प्रकार से व्यवहार करना है, और हम ये समझना भूल जाते हैं। तो बच्चों के साथ साथ हम बड़ों को, टीचर्स को, पेरेंट्स को भी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एडोलेसेंट एज जो है वो बहुत ही क्रिटिकल एज मानी जाती है, और साइकोलॉजी में तो हम इसे तूफ़ानी अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को, किशोरावस्था को, तूफ़ानी अवस्था का नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इस अवस्था में बच्चों के मन में, उनके शरीर में इतने बदलाव हो रहे होते हैं, उनके सोचने के तरीके में इतने बदलाव हो रहे होते हैं, जैसे कि एक तूफान सा अंदर चल रहा है और उसे हम समझ ही नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है। एकदम से हमें सब बड़ा बड़ा लगने लगता है, हमें लगता है हम बहुत बड़े हो गए हैं, हम मैच्योर हो गए हैं, हम रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं, हमें सही गलत की समझ है, हमारा सोचने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है जैसे ही हम किशोरावस्था में आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम कब आती है? जब हमारी इस मनोस्थिति को पेरेंट्स नहीं समझ रहे हैं। बच्चों को लगता है नहीं, मैं इस काबिल हूँ, मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है, हर चीज़ पे मुझे राय नहीं चाहिए, अब मैं समझ सकता हूँ। लेकिन पेरेंट्स को क्या लगता है? नहीं बच्चे, आप अभी नहीं समझ सकते। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट पेरेंट्स और बच्चों के बीच में आ जाता है, इस रिलेशनशिप को हम कैसे मेंटेन करके रखें, इसको हम कैसे हेल्दी बनाएं एडोलेसेंट एज में, ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि बीइंग अ पेरेंट हमें ये पता है कि हाँ, हमारा बच्चा अब एडोलेसेंट एज में है, लेकिन इस समय बच्चे के मन में जो चीज़ें चल रही हैं उनको अंडरस्टैंड करके, उनको समझ के बच्चे के साथ डील करना, उसके साथ व्यवहार करना और उसको सही दिशा निर्देश देना, उसको सही रास्ते पर लेकर जाना सबसे कठिन कार्य है। तो हमें ये खुद के साथ साथ बच्चों की मनोस्थिति को समझने के लिए हमें उनके साथ फ्रेंडली व्यवहार करना चाहिए। हम उनकी सिचुएशंस को समझें कि बच्चे के मन में इस समय क्या चल रहा होगा। जब कोई टीचर 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के बच्चे को क्लास में डांट देता है तो वो बच्चा कैसा फील करता है? बच्चों को बहुत ही जल्दी उन्हें इंसल्टेड फील हो जाता है, उन्हें लगता है मेरी तो बेइज्जती होगी सब क्लास के सामने। या बच्चे के मन में ऐसी भावनाएं आती हैं कि
मैं वो उस टीचर को नापसंद करना शुरू कर देता है। तो हमें बच्चों को वो चीज़ समझाने की ज़रूरत है कि यस एडोलेसेंट एज के बारे में हमें उन्हें साइको एजुकेशन देना चाहिए, हमें उन्हें साइको एजुकेट करना चाहिए, हमें बच्चों को ये क्लियर बताना चाहिए कि यस देयर आर सो मैनी फैक्टर्स, बहुत सारे चेंजेस इस समय आप फेस कर रहे हैं अपने मन में, फीलिंग्स में, भावनाओं में, व्यवहार में, सोच में, जिसकी वजह से बच्चों में एग्रेशन बढ़ रहा है या फिर बंक करना, आज्ञा का पालन ना करना। पेरेंट्स, स्पेशली पेरेंट्स ये शिकायत लेकर के आते हैं कि बच्चे तो हमारी बात सुनते ही नहीं है, टीचर्स की फिर भी सुन लेते हैं लेकिन हमारी कोई बात नहीं सुनते। तो किस प्रकार हम उन बच्चों को हैंडल करें, ये बच्चों को भी हमें समझाने की ज़रूरत है कि आपके अंदर क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। जैसा कि मूड स्विंग्स ऑल्सो, बच्चे इस समय में हर चीज़ को खुद से करना चाहते हैं, वो नए नए एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं, वो हर चीज़ को एक अलग नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं। हमें उनके नज़रिए को समझने की ज़रूरत है। अगर हम बच्चों का नज़रिया समझते हैं, अगर हमें उनके माइंडसेट का पता है, अगर हमें ये पता है कि वो किस ट्रैक पे चल रहे हैं, अगर हमें पता है कि वो किस प्रकार से डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, तो हम उनकी बातों को अंडरस्टैंड करके सिचुएशंस को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। हमें बच्चों को ये समझाने की आवश्यकता है कि एडोलेसेंट एज में बहुत सारे परिवर्तनों के साथ साथ उनको मैनेज करना हमें सीखना होता है। हमारे अंदर फुल ऑफ एनर्जी होती है इस एज में, बच्चे फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, सिर्फ उन्हें डायरेक्शन हमें सही देनी है। यही अवस्था है जब बच्चा कोई गलत राह भी पकड़ सकता है, और यही अवस्था है जब बच्चा इतना समझदार एकदम से हो सकता है कि घर वाले भी कभी कभी कहते हैं कि एक बच्चा तो हमारा बहुत समझदार है लेकिन दूसरा है कि बात ही नहीं सुनता। फिर हम उनका कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है, क्योंकि अपने आप में हर व्यक्ति यूनिक है, हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है। एक व्यक्ति में कोई अलग क्षमताएं हो सकती हैं, दूसरे में कुछ अलग क्षमताएं हो सकती हैं। तो हमें स्पेशली एडोलेसेंट एज में आपस में, क्लास में, घर पे बच्चों का कंपैरिजन ना करके उन्हें इस चीज़ से अवगत कराने की ज़रूरत है कि इस अवस्था में हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखें और किस प्रकार से हम आगे अपना व्यवहार सुचारू रूप से कायम बना के रखें। थैंक यू वेरी मच। हम अपनी अगली वीडियो एडोलेसेंट एज पे ही कंटिन्यू करेंगे, इसको थोड़ा सा हम डिटेल लेके जाएंगे और आपसे अगली वीडियो में रूबरू होंगे। धन्यवाद।